तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट स्टोरेज के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार सी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको हमारे फ्री फायर ईस्पोर्ट्स के कुछ बहुत ही बेस्ट रिवेंज मोमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जब कुछ टीम्स ने ईंट का जवाब पत्थर से यानी इमोट का जवाब इमोट से दिया था। नॉर्मली गेम में एक दूसरे को इमोट दिखाना गेम का एक पार्ट है, बट ईस्पोर्ट्स में डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। और जब आप ईस्पोर्ट्स में किसी टीम को या किसी प्लेयर को इमोट दिखाते हो तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर इस चीज को सामने वाली टीम की तरफ से यहाँ पे एज अ रिवेंज वे में ले लिया जाता है। बाकी अगर आप एक ईस्पोर्ट्स लवर तो आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बाकी चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 5, तो गाइस नंबर 5 पे जो ईस्पोर्ट्स का बेस्ट रिवेंज मोमेंट आता है वो मोमेंट हुआ था Game.TV के एक ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, जब टीम गैलेक्सी रेसर्स की फाइट यहाँ पे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स से हो रही होती है। और तभी GXR मैरियक्स यहाँ पे TG माफिया वाला को यहाँ पे डाउन करके फ्लैग इमोट दिखा देते हैं। और फिर इसके बाद उसी मैच में इन दोनों टीम्स का अगेन यहाँ पे क्लैश होता है, और फिर टीजी डिलीट यहाँ पे पूरी GXR को क्लच करके यहाँ पे रिवेंज को कम्प्लीट करते हैं। काफी हीटेड मोमेंट था ये, आप बैकग्राउंड में खुद देख सकते हो। नंबर 4, तो गाइस नंबर 4 पर जो ईस्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट रिवेंज मोमेंट आता है ये मोमेंट हुआ था लोको समर लीग के एक टूर्नामेंट में, जब टीम गॉडलाइक और TSG के बीच यहाँ पे फाइट हो रही होती है। और तभी गॉडलाइक के गॉडल आकाश यहाँ पे आइकॉनिक जो कि उस टाइम TSG की तरफ से खेल रहे थे उनका डाउन करके यहाँ पे इमोट दिखा देते हैं। और आपको पता ही है कि आइकॉनिक जैसे एग्रेसिव प्लेयर को इमोट दिखाना बहुत मतलब डेंजरस काम है। और इसी चीज को देखने के बाद यहाँ पे किलर FF से रहा नहीं गया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आइकॉनिक और किलर FF बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों ही यहाँ पे काफी एग्रेसिव भी है। किलर FF यहाँ पे पूरी की पूरी गॉडल को वाइप आउट करके काफी बढ़िया तरीके से इसका रिवेंज ले लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑब्वियसली दो प्लेयर का नॉकडाउन है, एक और नॉकडाउन वो स्वाबली ने थी वो अब टर्न अराउंड करी जा रही है। किलर वहां पे अटैक करेंगे एंड गॉडल इज डाउन टू वन मैन, दैट विल बी की दूसरा यानी सेविस टीम उसके है बट नाम के नहीं, निवेश को डाउन कर दिया जाएगा यानी कि गॉडल की टीम काफी ज्यादा भारी सेक्टर में। अब की दूसरा एक और खिलाड़ी बस गए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे बट क्या इस राउंड के लिए स्टॉप कर पाएंगे। किलर पूरी संपूर्णता कोशिश कर रहा है बट किलर FF के शॉट आएंगे, आइकॉनिक का सपोर्ट मिलेगा। अबे मौज कर दी, हां मौज कर दी वहां बैठे। नंबर 3, तो गाइस नंबर 3 पर जो ईस्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट रिवेंज मोमेंट आता है ये रिवेंज को हीटेड रिवेंज नहीं था बल्कि एक फ्रेंडली रिवेंज था। खिलाड़ी अड्डा इनविटेशनल टूर्नामेंट एक मैच में TSG और OG की यहाँ पे क्लैश लैंडिंग होती है, जिस फाइट में किलर FF यहाँ पे मिस्टर जय YT को डाउन करके लॉल इमोट दिखा देते हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में इतना मजाक मस्ती चलता है बट दोस्तों से रिवेंज लेने का भी अपना एक अलग ही मजा है। और फिर नेक्स्ट मैच में यहाँ पे अगेन OG वर्सेस TSG की फाइट होती है जिसमें ओल्ड मॉन्क किलर को डाउन करके यहाँ पे इमोट दिखा के इस रिवेंज को फाइनली सक्सेसफुली कम्प्लीट करते हैं। ज्यादा हेडशॉट का डैमेज होता तो बेबी यहाँ पे धराशय हो जाते उज्जवल, लेकिन उज्जवल ने कोई भी गलती नहीं करी, उन्होंने अब एक्यूरेसी के साथ अपने शॉट दिया। अब यहाँ पे 4v2 का सिनेरियो है, यहाँ पे पीछा करा जा रहा है जय का। जय के पास उस चीज का शायद से बेबी कोई भी जवाब नहीं रहने वाला है क्योंकि इनके ऊपर कब चुका है, यहाँ पे हैवी रिशार्ज आ चुका है। इसी बीच यहाँ पे देख सकते हो डाउन करा जा चुका है, व्हीकल्स यहाँ पे उड़ा जाएंगे। किलर यहाँ पे इमोट दिखा रहे वो भी मिस्टर जय को, बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर है मैं कह सकता हूँ। इस टाइम यहाँ पे खून जमार हो चुका होगा, अब जो इसके बाद मैच होगा उसमें जय कब ज्यादा एग्रेसिव होकर खेलने वाले, लेकिन इस टाइम यहाँ पे GRB ये फाइट कमाल की दोस्तों फिर की रोटेट करता है, लेकिन दूसरा पहाड़ी किल शुरू करेंगे। रेमिनेंट हैज बीन एलिमिनेटेड एट द 12th पोजीशन, यहाँ पे TSG बना OG एलीट लेकिन TSG लेजेंड अकेले बचे हुए और OG एलीट ने करारा जवाब दिया है हर बार। और लगभग काफी हद तक देखा है यहाँ पे, और देखिए ओल्ड बॉम्ब इस बार मजे लेना चाहते हैं, वो जानते हैं कि पिछली बार जो हमारे साथ हुआ था उसका बदला तो हम जरूर लेंगे। 3 नंबर 2, तो गाइस नंबर 2 पे ईस्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट रिवेंज मोमेंट आता है ये मोमेंट हुआ था रॉकी एंड RDX भाई के लाइव स्ट्रीम पे, जब यहाँ पे TSG वर्सेस टीम केओस की अर्ली फाइट होती है जिसमें टीम केओस यहाँ पे TSG को वाइप आउट करके यहाँ पे फ्लैग और लॉल इमोट दिखाने लगती है। और इस मैच में टीम केओस ने TSG को यहाँ पे स्ट्रीम स्नाइप करके मारा था क्योंकि उस टाइम यहाँ पे TSG ऋतिक भाई यहाँ पे लाइव कर रहे होते हैं, बट इसके बाद TSG बहुत ही गंदे तरीके से बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे टीम केओस को दौड़ा दौड़ा के मार के डाउन करके यहाँ पे इस इमोट वाले रिवेंज को कम्प्लीट करती है। दूर से तेरे को कोई फैन नहीं।
अलग बंद हो गया था, चारों अलग अलग पड़े मिल गए। डंडा कौन गाड़ा? डंडा किसने लगाया? ये बच्चा भी ये तो कुछ कुछ बोली कुछ हो लेने दो भाई, अगले गेम भाई स्ट्रीम स्नाइप की कोई नहीं भाई, बच्चे भाई बच्चे अभी सीख रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, सीखने दो बच्चों को। और टू साइड गेमर्स ने वहां बड़ी बेरहमी से केओस की नंबर वन। तो गाइस फाइनली नंबर वन पर जो ई स्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट रिवेंज मोमेंट आता है, ये मोमेंट भी हमारे रॉकेट आरडीएक्स भाई के ही लाइव पे हुआ था, जब टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की फाइट यहाँ पे टीम एनिग्मा ई स्पोर्ट्स के साथ होती है। और इस मैच में एनिग्मा ई स्पोर्ट्स के इजी अब है यहाँ पे टीजी माफिया को डाउन करके लिटरली यहाँ पे लॉल इमोट दिखाने लगते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत था, क्योंकि आप अपने सीनियर प्लेयर को यहाँ पे लॉल इमोट नहीं दिखा सकते हैं, आप लॉल इमोट छोड़कर कोई और इमोट दिखाते तो उतना मैटर नहीं करता, बट लिटरली यहाँ पे किसी प्लेयर को ई स्पोर्ट्स में यहाँ पे लॉल इमोट दिखाना उनके रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। और इसी हर्ट और रिस्पेक्ट का बदला लेने के लिए जस्ट इसके नेक्स्ट मैच में टीजी यहाँ पे एनिग्मा ईस्पोर्ट्स के साथ क्लैश लैंडिंग करती है, जिसमें टीजी अपने रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही एग्रेसिवली रश करती है और एनिग्मा ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट करके इस इमोट रिवेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करती है। बैक ऑफ करना ही पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज, जहाँ पे टोटल गेमिंग दिख रही थी अच्छे सिचुएशन में, वहीं अब लग रहा है टोटल गेमिंग का मेला लूट गया, टोटल गेमिंग फंस गई, एक अकेले बाला रह गए हैं। और अभय को देखिए, ओ माय गॉड, अभय ने यहां पे नॉक, जी गाइस अभय ने यहां पे नॉक माफिया को देखकर इमोट लगा दिया है। और ये तो भाई बिल्कुल रास नहीं आएगा। एक बार फिर से टोटल गेमिंग और एनिग्मा एक साथ, एक बार फिर से टोटल गेमिंग और एनिग्मा एक साथ लैंड कर रहे हैं, क्लैश लैंडिंग नहीं, घूम गए जी नहीं, एक ही जगह गए टोटल गेमिंग और एनिग्मा एक साथ, एक बार फिर से। एक तो वैसे ही हीटेड डिस्कशन चल रही है और इस बार केआर गोत्रू को पहले ही फौजी अजय ने एलिमिनेट कर दिया। बाला यहां पे बड़े गुस्से में दिख रही है टोटल गेमिंग, खिलाड़ी भी गुस्से में, समर्थक भी मुझे दिख रहे गुस्से में, तो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं इस मैटर में, बट गाइज यहां पे दिख ही रहा है कि साफ साफ यहाँ पे दिस इज पर्सनल, थोड़ा गुस्से में खेल रहे हैं। मैंने बड़े दिन बाद टोटल गेमिंग को गुस्से में खेलते हुए देखा है, डरावना मंजर। और बाला देखिए कोई रहम नहीं बरत रहे हैं, भूखे शेर की तरह ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। वही ओ अभय को यहाँ पे किल कर दिया गया है, टीम नंबर फाइव की टीम विलन गेमिंग ने यहाँ पे किल कर दिया। अभय वहां पे बैक ऑफ कर रहे थे बट मौका नहीं मिला, यही ओरिन को देखिए, नाइस शॉट बाय एनिग्मा। ओरिन और यहां पे क्या बात है ओरिन, लेकिन यहां पे हैंड कैनन, एनिग्मा गेमिंग के प्रोमित आगे बढ़ते हुए, सामने से आते हुए टीजी बाला, प्रोमित और बाला आमने सामने, गुस्से में बाला, ये देखिए यहां पे मैं कुछ देखना चाहता हूं। ओ माय गॉड ये देखिए, ये तो पूरा पर्सनल है भाई, नो कमेंट्स। डिलीट को देखिए, माय गॉड। तो बाकी चली गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। इन सभी हीटेड मोमेंट्स में से आपको सबसे बेस्ट इवेंट मोमेंट किस टीम का लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो आपको कैसे लगी
कमेंट में जरूर बता दीजिए। काफी यूनिक कंटेंट यहाँ पे ट्राई किया है मैंने, तो यार कमेंट में जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट टॉप 10 या टॉप 5 ई-स्पोर्ट्स सीरीज आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में जरूर से सजेस्ट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को जरूर से शेयर भी कर देना। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार कंटेंट मैं आपके लाता रहता हूँ। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।